हेलो फ्रेंड, मैं अपने फाका वाटर प्यूरीफाई का सर्विस करने आया हूँ। देखिए आप सर्विस इसका कैसे होता है। धन्यवाद, मैं फिर खोल कर बताता हूँ। सबसे पहले इसका हम पानी चेक किएंगे, पानी कैसा आ रहा है। एल्काइन बेस्ड ये मशीन है, ये पानी की पीएच क्रिटिकल है, पानी है आरओ का। ये पानी पूरा एसिडिक है, पीला हो गया है। अभी मैं इसका फिल्टर बदलूंगा, उसके बाद में आपको पानी दिखाऊंगा, आप देखिएगा पानी कैसा है। ये नल का पानी है, नल का भी पानी एसिडिक है पूरा। दोस्तों वीडियो तो बने रहिए, फिर आपको आखिरी में दिखाता हूँ इसका पानी का कैसे कलर से नजर। पानी खड़ा हुआ आ रहा है, इनका पानी का जो पीडीएफ आ रहा है, पीडीएफ भी आपको दिखाता हूँ। पीडीएफ इनका जो आ रहा है लगभग 11 आ रहा है, बहुत कम पीडीएफ का। तो अल्कलाइन क्वार्टर ज़्यादा इनका पानी का पीएच भी बढ़ जाएगा और पानी में जो गुणवत्ता ख़त्म है वो सब फिल्टर आ जाएगा। सबसे पहले हम इनका फिर फिल्टर खोलते हैं। बहुत से भाई लोग फिर फिल्टर खोलने का प्रयास करते हैं, खोलते हैं, देखते हैं फिर फिल्टर कैसे खोलते हैं। एकदम सिंपल है करने के लिए। यहाँ पर लॉक कम रहता है, फिर लॉक दबाइए, पाइप खींच लीजिए, लॉक दबाइए, पाइप को खींच लीजिए। इसको और आसानी से देखिएगा तो फिल्टर में कैसे खोलता हूँ। इसको यहाँ पर दबा लीजिए, एकदम आसानी से ये फिल्टर खोल जाता है। फिल्टर अभी चल सकता है, इसको चलाने के लिए हम चला सकते हैं। बाकी हम इनके यहाँ उनसे पूछने के बाद इसको हम चेंज करेंगे। बाकी मैं जो मेन का प्रॉब्लम है कि पानी में टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है, उसको हम देखते हैं मशीन नीचे उतार। तो फाइनली भी मैं मशीन को उतार लिया हूँ, अब इसको खोल के देखते हैं पीछे से। 5 स्क्रू लगे हुए हैं, इसको इसको उठाने से आसानी छूट जाता है और इसको आसानी से निकालने तो पूरा इसको नीचे गिर जाएगा। हाँ, ये देखिए पूरा नफाका का फिल्टर है, फिडीमेन कार्बन आरओ अल्कलाइन। पूरा काम करने से पहले सबसे पहले हमको देखना है कि आरओ पंप ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर आरओ खराब रहेगा खर्चा ज़्यादा है, इसलिए हम पहले आरओ पंप को चेक करते हैं। देखिए ये सेडिमेंट है, इसको पहले पानी यहाँ से इसमें सेडिमेंट में आता है, फिर से इसको मैं लगा दे रहा हूँ। अब वहाँ से सेडिमेंट से पास होने के बाद डायरेक्ट एसबी में जाता था। एसबी के पाइप को हम निकालते हैं, देखिएगा एसबी का पाइप है, इसको हम डायरेक्ट चेक करते हैं कि आरओ पंप ठीक है कि नहीं। इसमें
एलसीएफ लगा है इसको हम। देखिए पंप में भी प्रेशर कम है, पंप का प्रेशर चेक करना है। ये हमारे पास प्रेशर मीटर है, इससे हम चेक करेंगे पंप का प्रेशर ओके है नहीं। ठीक है, ये जैसा कि पंप इसमें लगा है 70 GB बैंड के 70 का प्रेशर आ रहा है। देखा जाए तो प्रेशर भी कम है। फिलहाल देखता हूँ यार उसको पानी देगा कि नहीं देगा। देखा दोस्तों पंप का प्रेशर देखा है। अब मैं डायरेक्ट पंप को ना आर ओ कनेक्शन दिया हूँ, अब देखूँगा आर ओ पानी देगा कि नहीं देगा। अगर आर ओ पानी देगा फिर मैं इनको खर्चा बताऊँगा इतना इतना खर्चा है, फिर आगे काम करेंगे। मतलब फाइनली आर ओ देखे पानी दे रहा है, बहुत स्लो दे रहा है, बाकी इनका काम चल जाएगा। इनके यहाँ सेडिमेंट कार्बन और अल्कालाइन चेंज होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और चेक करना है हमको, इनका एस बी पानी ठीक दे रहा है कि नहीं दे रहा है पंप को। एस बी भी हमको चेक करने के लिए डायरेक्ट यहाँ से एस बी को निकाल लेते हैं पंप के पास से। एस बी पानी ठीक ठाक दे रहा है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, एस बी बढ़िया पानी दे रहा है। तो एस बी भी ओके है, एस बी को हम उसी जगह फिर लगा देते हैं। ठीक है, तो फिर फाइनली हम इसमें सेडिमेंट कार्बन को चेंज करते हैं। आर ओ को उसी जगह लगा देते हैं। जहां पंप का प्रेशर कम रहे फाइनली हमने सेडिमेंट कार्बन को निकाल लिया है। ठीक, इसको हमको फ्लश कर करके लगाना है। इसको फ्लश लगाने से पहले फ्लश करना बहुत ज़रूरी होता है, कभी कभी नया पार्ट्स भी ख़राब रहता है। फ्लश करने से आपको पता चल जाएगा हाँ क्लियर है। फ्लश करने से जो भी इसके अंदर केमिकल जो भी पैकिंग समेत डाला जाता है सब बाहर हो जाता है। तो बिना दोनों साइड फ्लश किए बिना ना लगाए, इससे इनकी लाइफ अच्छी रहती है तो पता भी चल जाता है कि मेरा फिल्टर ओके है। सेडिमेंट फ्लश हो गया, ये ब्लॉक कार्बन है। देखिए ये भी फ्लश कर लिया हमने,
कार्ड हमने प्लस कर लिया। अब इसको हम भी अब लगाने की बारी आ गई। तो सबसे पहले इसमें पहले क्या था, पहले सेडिमेंट से पानी एसपी में जा रहा था, एसपी से पंप, पंप से फिर कार्बन, कार्बन से आरओ जा रहा था। अभी इसका मैं फिटिंग चेंज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको पानी सेडिमेंट में दूंगा, जो पहले सबसे पहले सेडिमेंट में दिया जाता है। यहाँ एरो बना है, ध्यान से देखिएगा, एरो इसका नीचे है। ये यहाँ से पानी इनपुट आ रहा है, ये पाइप है, यहाँ लगा दिया। सेडिमेंट से पानी आएगा जब कार्बन में, कार्बन गया, कार्बन से पानी ये एसबी में जा रहा है, एसबी में। और ये आरओ का पानी जो है देखिए, हमने एलपीएस को शॉर्ट कर दिया था, क्योंकि कभी कभी एलपीएस की वजह से ना मशीन सही प्रेशर होते हुए भी नहीं चालू होता है। तो मैं एलपीएस को शॉर्ट करके मैं यहाँ टेप मार दिया। और जो टेक्नीशियन भाई होंगे एलपीएस को जानते होंगे, ताकि हमारे जो कस्टमर भाई देख रहे हैं उनके लिए एलपीएस ये इतना कोई खास बहुत नहीं रहता है। ठीक, पानी फेडी कार्बन से एस बी, एस पी से पंप होती हुई पानी ये आ गया आर ओ में। अब आर ओ में डायरेक्ट प्रेशर देने का मतलब ये है कि अगर आर ओ पंप में प्रेशर कम है तो आर ओ को डायरेक्टली प्रेशर मिलेगा, और डायरेक्टली प्रेशर मिलने से क्या होगा कि प्रेशर अच्छा देगा बाकी, क्योंकि पंप में प्रेशर हो गया है डाउन। अब पंप और आर ओ चेंज करूँगा तो लंबा खर्चा हो जाएगा, कम से कम खर्चे हमको बनाना है तो जो हो जाए कम से कम। अब ये है अल्ट्रा लाइन, ये फोन कॉल कर रहे थे, अंदर में छोटा क्लियर मेम्ब्रेन लगा है, कभी कभी ये भी ब्लॉक रहता है। इसको भी हम अच्छे से फ्लश कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कहीं ये भी तो चोकअप नहीं है। ये फाइनली अच्छा पानी दे रहा है, कहीं भी फ्लश नहीं है। इसको थोड़ा पिचका से ठोकने से पानी अच्छा चलने लगता है। वार्पी प्रोसेस जो कि कंपनी का है, इसको भी हमको फ्लॉप करना है। इसको भी देखिए फ्लफ करना है, क्योंकि काला काल भी चलते तो फिर फ्लफ करना थोड़ा सा जरूरी रहता है, क्योंकि कार्बन दुनिया और सब गोलियाँ सब पड़ी रहती है इसमें। फाइनली पूरा सेटअप लग गया है, आप देख सकते हैं। ठीक, जिसको हम अभी यहाँ से चालू करके देखते हैं।
यहाँ फुटबॉल कट ऑफ लगा रहता था टाइम, इसको भी कभी कभी यहाँ फंस जाता था। इसको चालू करके ऑन ऑफ करके देख लें, कट ऑफ हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हो रहा है मशीन ठीक। अब फाइनली इसको हम पानी चेक करेंगे आने तक। फाइनली ये मशीन हो गया, आप देख सकते हैं कि टैंक में पानी जा रहा है, दिख रहा होगा आपको। वीडियो में दिख रहा होगा आपको पानी आ रहा है ठीक। इसका मैं आपको ORP दिखाता हूँ, पानी का pH। देखिए आपने पहले पानी देखा था कि पूरा FD था, अब देखिए कौन सा कलर आता है। फाइनली मेरा ये अल्कलाइन पानी आ गया है ठीक। इस मशीन को हम पैक करते हैं। इसको मैं धो लिया हूँ, एक चीज इसमें और करते हैं, ब्रेड डाल देते हैं। फाइनली ये मशीन रेडी हो गया, प्री फिल्टर लग गया, जिसको हम लगाते हैं। तो सबसे पहले जब प्री फिल्टर आप लगाए ना, तो डायरेक्ट ना लगाए, एयर आ जाता है। तो यहाँ पहले हम इसको यहीं पर एयर निकाल लेते हैं। एयर अगर नहीं निकालेंगे तो एयर ब्लॉक हो जाएगा, फिर आपको मशीन उतार के फिर एयर निकालना। देखिए पानी निकलने लगा, एयर निकल गया। फिर इसको हम उस जगह में लगा देते हैं। ये फाइनली ये मशीन रेडी हो गया। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।